भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के घर पे एक राजनीतिक विमर्श चल रहा था। उस विमर्श के दौरान किसी ने कहा कि देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी कभी राजनेता नहीं बन सकते हैं। इस वक्तव्य को कुमारस्वामी ने एक चुनौती की तरह लिया और राजनीति में आने का फैसला किया। उस वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। राजनीति में शुरुआती विफलताओं के बावजूद वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनकर खुद को एक कुशल राजनेता साबित किया। लेकिन राजनीति एक ऐसा पेशा है जहां आपको हर चुनाव में साबित करना होता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज़। हमारी कर्नाटक सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे एचडी कुमारस्वामी की। एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के हरदनहल्ली गांव में 16 दिसंबर 1957 में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम हरदनहल्ली देवगौड़ा कुमारस्वामी है। पिता एचडी देवगौड़ा राजनेता थे, लेकिन कुमारस्वामी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। स्कूल कॉलेज में एक औसत छात्र रहे कुमारस्वामी का मन क्रिएटिव कामों में अधिक लगता था। कुछ इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकारा कि वो बचपन में अक्सर क्लास छोड़कर फिल्में देखने चले जाते थे। बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाने की सोची। उन्होंने कुछ फिल्मों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने राजनीति में आने का फैसला कर लिया। और एक बार राजनीतिक भंवर में फंसने के बाद कुमारस्वामी वापस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सके। कुमारस्वामी ने 1994 में अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था। 1996 में उन्होंने पहली बार कनकपुरा सीट से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 1998 और 99 के चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन विफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2006 में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली। दरअसल जेडीएस और बीजेपी ने सत्ता करार के बाद गठबंधन की सरकार बनाई थी। इसमें तय किया गया कि पहले 19 महीने तक कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहेंगे और 3 अक्टूबर 2007 के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उस वक्त कुमारस्वामी के पास 42 विधायक थे। 19 महीने तक सरकार चलाने के बाद कुमारस्वामी बीजेपी को सत्ता हस्तांतरण से मुकर गए। बहुमत न होने की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा तत्कालीन गवर्नर रामेश्वर ठाकुर को सौंप दिया। राज्य में 9 अक्टूबर 2007 से 8 नवंबर 2007 के बीच राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2008 के विधानसभा चुनाव में कुमारस्वामी ने एक बार फिर रामनगरम सीट से बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उन्हें 14 विधायकों का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पार्टी के 30 विधायक ही जीत सके। बीजेपी को सहानुभूति का वोट मिला। 2008 में बीजेपी ने सरकार बनाई और बीएस येदुरप्पा मुख्यमंत्री बनाए गए। कुमारस्वामी एक कुशल राजनेता हैं। राजनीति भले ही उनको पिता से विरासत में मिली हो, लेकिन उसको जीने का उनका अपना अंदाज है। कर्नाटक की ग्रामीण जनता में वो जनता दर्शन और ग्राम वास्तव्य जैसे कार्यक्रमों में खासे लोकप्रिय हैं। एचडी कुमारस्वामी ने अनीता नाम की महिला से शादी की है। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम निखिल है। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सभी की निगाहें कुमारस्वामी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वो इन चुनावों में एक बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।